हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता एंड वेलकम टू हिम एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी एट का जो है क्लास एट का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। इससे पहले हमने दो चैप्टर्स जो हैं कर लिए हैं, आज हम थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है सारे कॉन्टिनेंट्स में, और उनको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, तो मिनरल्स के बारे में। और दूसरा पार्ट है पावर रिसोर्सेज, कि पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होती हैं। तो ये चैप्टर बहुत लेंथी है, तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहले पार्ट में हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में हम पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, पहला सेशन जो है मिनरल्स का उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन अराइज होता है कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि जब हम कोई बिस्किट खाते हैं, हम उसको देख के नहीं बता सकते कि उसमें कौन कौन से जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डले हुए हैं। बिस्किट कैसे बनता है, उसमें फ्लोर होता है, मिल्क, शुगर और समटाइम्स एग, तो इन सब चीज़ों से बना होता है। तो हम उसको देख के नहीं बता सकते कि क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट डले हैं। उसी तरह से जो हमारी अर्थ है, उसमें जो रॉक फॉर्मेशन है, जो चट्टानें हैं, हम चट्टानों को देख के नहीं बता सकते कि उनके अंदर क्या है। तो चट्टानों के अंदर जो चट्टानें होती हैं, जो रॉक्स होती हैं, उनके अंदर होते हैं मिनरल्स। तो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज मिनरल। मिनरल्स क्या होते हैं कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हमारी अर्थ के ऊपर। हमें पता है कि अगर हम अपनी अर्थ की ज्योग्राफी की बात करें तो बहुत सारी वेरिएशंस हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं। तो मिनरल्स भी जो है वो उसी हिसाब से डिपेंड करते हैं रॉक फॉर्मेशंस के ऊपर, कि किस तरह, कहाँ पे किस तरह की रॉक्स हैं, उसमें किस तरह के मिनरल्स जो हैं वो पाए जाएंगे। अब कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो ईजिली एक्सेसिबल नहीं होते, कि हम अगर पोलर रीजन की बात करें, जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है उस रीजन की बात करें, मतलब आर्कटिक और एंटार्कटिका की अगर हम बात करें, तो वो हमारे पास जो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, तो वहाँ की रॉक्स जो हैं वो भी इजीली एक्सेसिबल नहीं होंगी। तो मिनरल्स भी जो हैं वो इजीली हम उनको वहाँ से नहीं निकाल सकते। तो मिनरल्स जो हैं हम उनको पहचान कैसे सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनकी जो दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है सॉल्ट। जब हम पानी में नमक डालते हैं तो क्या होता है, पानी में नमक जो है वो घुल जाता है, एक तरह से उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी, क्योंकि वो डिसॉल्व हो जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड द केमिकल प्रॉपर्टी। ये भी मिनरल्स की प्रॉपर्टी है कि कुछ की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये हुई कि देखिए वो सॉल्युबल हो गया, बिल्कुल नमक जैसे पानी में घुल गया, दैट इज़ सॉल्युबल, वो डिसॉल्व हो गया, दैट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी कि हम उनको कलर से, उनकी डेंसिटी से, उनकी हार्डनेस से, इन सब चीज़ों से उसको पहचान सकते हैं। तो ये थे मिनरल्स। हम पढ़ेंगे कि मिनरल्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो मिनरल्स हैं, जो रॉक जो होती है उसमें से मिनरल्स को कैसे निकालते हैं, होता क्या है कि जो चट्टानें होती हैं उसके अंदर से मिनरल्स को उनके ओर्स के रूप में निकाला जाता है। ओर्स होते हैं, एक तरह से हम बोल सकते हैं कच्ची धातु, जो कि हमारे पास मिट्टी या फिर जो चट्टानें होती हैं, छोटे पत्थर होते हैं उसके रूप में होती है, उसमें से जो है मेटल्स को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो 2800 के आसपास, 2800 के आसपास जो मिनरल्स हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं, उसमें से सिर्फ हंड्रेड मिनरल्स को ही एज ए मिनरल और कंसिडर किया जाता है। मिनरल्स तो आगे पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं, इनके नाम से जैसे पता चल रहा है कि जिनमें मेटल्स होती हैं। द मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, जिनमें मेटल्स होती हैं वो मेटेलिक मिनरल, और नॉन मेटेलिक जिनमें मेटल्स नहीं होती। मेटेलिक मिनरल्स के अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे हो गया आयरन और बॉक्साइट हो गया, मैग्नीज और हो गया, ये सारे क्या हैं, मेटेलिक मिनरल्स है। और अगर हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करें तो वो हो गए जैसे लाइमस्टोन हो गया, माइका, जिप्सम, ये सारे क्या हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, या फिर कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। तो जो मेटेलिक मिनरल्स हैं उसकी भी आगे दो टाइप्स होती हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। तो फेरस क्या होता है, इनके नाम से अगर हम पता चले, फेरस मतलब जिनमें आयरन होता है, आयरन ओर, और नॉन फेरस जिन मेटल्स में आयरन नहीं होता। तो जिनमें आयरन होता है उनके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो वो हो गया आयरन ओर, हो गया मैग्नीज, हो गया क्रोमाइट्स, हो गया, ये ऐसे मिनरल्स हैं जो मेटेलिक हैं और साथ में फेरस भी हैं, मतलब उनमें आयरन होता है। और जो अगर हम नॉन फेरस मिनरल्स की बात करें, जो मेटेलिक तो होते हैं, पर उनमें आयरन नहीं होता, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया और लेड हो गया। तो हमने मिनरल्स की टाइप पढ़ी, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, और मेटेलिक की भी आगे दो टाइप्स होती हैं, फेरस एंड नॉन फेरस।
आगे है एक्सट्रैक्शन कि अगर हमारे पास मिनरल जो है वो रॉक्स में पाए जाते हैं तो उनको कैसे निकाला जाता है, उनको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, इसकी टाइप्स क्या हैं। तो तीन तरह की टाइप्स होती हैं जिससे मिनरल्स को निकाला जाता है। नंबर वन इज़ माइनिंग, नंबर टू इज़ ड्रिलिंग एंड नंबर थ्री इज़ क्वेरिंग। अब माइनिंग क्या होती है कि जो हमारे पास मिनरल्स होती हैं जो रॉक्स के अंदर दबी हुई हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर, उनको निकालना, उस प्रोसेस को बोलते हैं माइनिंग। उनको निकालना, मिनरल्स को निकालना चट्टानों से, उनको कहते हैं माइनिंग। तो माइनिंग जो है वो भी दो तरह की होती है, एक होती है ओपन कास्ट माइनिंग और दूसरी होती है शाफ्ट माइनिंग। एक होती है ओपन कास्ट माइनिंग और दूसरी शाफ्ट माइनिंग। तो ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है कि जो मिनरल्स जो है अर्थ के सरफेस में ज़्यादा गहराई में नहीं होते, ऊपर ही होते हैं, उनको सिंपली क्या किया जाएगा, खोदा जाएगा ज़मीन को और उसमें से मिनरल्स को है निकाल लिया जाएगा। और दूसरी होती है शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग में जो बहुत ज़्यादा गहराई में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में पाए जाते हैं, उसको कहते हैं शाफ्ट माइनिंग, कि उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है डीप बोर्स बनाने पड़ते हैं, गहरे गड्ढे खोदने पड़ते हैं, बोर्स बनानी पड़ती है गहरी, दैट इज़ कॉल्ड द शाफ्ट माइनिंग। दूसरा प्रोसेस आ गया ड्रिलिंग। ड्रिलिंग, अब हमें पता है कि जो भी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होते हैं, जो भी अगर हम बात करें सी की बात करें, समुद्र में जो है शोर से बहुत दूर अंदर गहराई में जाके, मतलब किनारे से बहुत दूर अंदर गहराई में जाके जब पेट्रोलियम को निकाला जाता है तो ड्रिलिंग की जाती है। मतलब बहुत गहरे जो है वो कुएँ बनाए जाते हैं, बहुत भारी मशीन, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कितनी भारी मशीन जो है वो यहाँ पर यूज़ की गई है, उसे क्या किया जाता है, ड्रिलिंग की जाती है और पेट्रोलियम को निकाला जाता है। तो ये दूसरी टाइप होगी ड्रिलिंग। और तीसरी टाइप हमारे पास आती है, यहाँ पे आती है क्वेरिंग। क्वेरिंग होता है जो मिनरल्स बिल्कुल अर्थ के ऊपर शैलो डेप्थ, मतलब ज़्यादा डेप्थ में नहीं, बिल्कुल अर्थ के सरफेस के पास ही पाए जाते हैं, उनको सिंपली जो है खोद के निकाल सकते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं क्वेरिंग। तो एक तरह से तीन टाइप्स होती हैं मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने की, उनको निकालने की। नंबर वन इज़ माइनिंग, नंबर टू इज़ ड्रिलिंग एंड नंबर थ्री इज़ क्वेरिंग। तो आगे हम पढ़ेंगे मिनरल्स की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। हमें पता है कि मिनरल्स जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। अब हम अगर हम बात करें तो वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हमने अगर सेवन्थ क्लास की हम बात करें उसके, उसमें हमने तीन तरह की रॉक्स के बारे में पढ़ा था, कौन कौन सी होती है, इग्नीशियस रॉक्स होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं और तीसरी होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये तीन तरह की रॉक्स होती हैं हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर जिनमें मिनरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें इग्नीशियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स की, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि जो इग्नीशियस रॉक्स होती हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, दो तरह की रॉक्स, वैसे तो तीन तरह की रॉक्स होती हैं, पर ये जो स्पेशल इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं इसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो होते हैं मेटैलिक, वो होते हैं मेटैलिक मिनरल्स। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मेटैलिक मिनरल्स होते हैं वो किस तरह की रॉक्स में पाए जाते हैं, इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक, या इस तरह से पूछ सकते हैं कि इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में किस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, वो होते हैं मेटैलिक मिनरल्स। और दूसरी टाइप आती है सेडिमेंट्री। हमने पढ़ा इग्नीशियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में, और दूसरी आती है सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स वो होती हैं जिसमें पाए जाते हैं मिनरल्स नॉन मेटैलिक, जिसमें पाए जाते हैं नॉन मेटैलिक। तो ये दो तरह से हैं, जो मेटैलिक मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक में, और जो दूसरी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उनमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो होते हैं नॉन मेटैलिक। तो अगर हम थोड़ी सी एग्जाम्पल की बात करें, अब जैसे जो मेटैलिक मिनरल्स हो गए, हमने पीछे जैसे पढ़ा था मेटैलिक मिनरल्स हो गए आयरन हो गया, आयरन ओर हो गया, मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट्स हो गया, ये सारे क्या है मेटैलिक मिनरल्स। और नॉन मेटैलिक मिनरल्स जैसे कि लाइमस्टोन हो गया या फिर कोयला हो गया या पेट्रोलियम हो गया, ये सारे क्या हैं नॉन मेटैलिक मिनरल्स, ये जो क्या है सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि जो कोल और पेट्रोलियम है दीज आर ऑल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्राटा। हमने जैसे पढ़ा कि जो भी नॉन मेटैलिक होगा वो सारे किस में पाए जाएंगे, वो सारे सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाएंगे। हम इसको पढ़ लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट होती है, इनमें से भी कई बार क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यू कैन ऑलवेज टेल इफ ए रॉक कंटेन्स कॉपर बिकॉज देन द रॉक लुक्स ब्लू इन कलर, कि अगर हम किसी रॉक को देखते हैं हम सिर्फ उसको देख के ही बता सकते हैं कि उसमें कौन सा मिनरल होगा, क्योंकि अगर उसमें कॉपर होगा तो वो जो रॉक होगी, वो जो चट्टान होगी वो ब्लू कलर की होगी। नेक्स्ट इज हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, तो अब हम कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे कि किस कॉन्टिनेंट में कौन से मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मैप दिया हुआ है, अगर हम मैप देखें, ये हमारे पास है एशिया, ये यूरोप,
ये नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका और ये कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो कॉन्टिनेंट है, हम थोड़ा सा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक तरह से डाटा है, इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ डाटा है दिया हुआ कि कौन से कॉन्टिनेंट में, किस कंट्री में कौन से जो मिनरल्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसको ज़्यादा मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी उसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आएगा हम उसको अंडरलाइन कर लेंगे। तो अभी हम इसको थोड़ा सा एक तरह से हम इसको पढ़ लेंगे कि क्या कौन सा डाटा दिया हुआ है, किस कॉन्टिनेंट में और किस कंट्री में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले आता है एशिया। एशिया की अगर बात करें, चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स, द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड्स टिन, कि जितना टिन इन दो कंट्रीज़ में प्रोड्यूस होता है दैट इज़ इक्वल टू द जितना वर्ल्ड में टिन प्रोड्यूस होता है, जितना टोटल वर्ल्ड में टिन प्रोड्यूस होता है उसका आधा जो है सिर्फ इन्हीं दो कंट्रीज़ में प्रोड्यूस होता है, कौन कौन सी, चाइना और इंडिया। तो इसको ज़्यादा, इन जो टर्म्स हैं इनको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछ सकते हैं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा होता है। लीडिंग जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं, अगर हम बात करें टिन की, कॉपर की, तो लीडिंग जो कंट्रीज़ हो सकती हैं, लीडिंग प्रोड्यूसर्स वो बहुत सारी कंट्रीज़ हो सकती हैं। क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के ऊपर आते हैं। आगे है चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया एमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर, चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमनी एंड टंगस्टन, और एशिया ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ मैगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। नेक्स्ट जो है यूरोप, आगे हम यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड, द कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर आर रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैगनीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। नेक्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें, नॉर्थ अमेरिका में जो मिनरल डिपॉजिट है इसको इन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, सब तीन रीजन्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से? नंबर वन इज़ कैनेडियन रीजन, नंबर टू इज़ द एप्लेंचियन रीजन एंड नंबर थ्री जो है वो माउंटेन रीजन, माउंटेन रेंजेस। तो इनमें अगर हम बात करें तो जो कैनेडियन रीजन है उसमें कौन कौन से मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं, वो हैं आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर, ये कैनेडियन रीजन में पाए जाते हैं। कोल एंड जो है वो एप्लेंचियन रीजन में, और अगर माउंटेन रीजन्स की बात करें उसमें है लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। तो एक तरह से ये डाटा है कि कौन से कॉन्टिनेंट में मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। आगे हम साउथ अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका, अब ये जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद रख सकते हैं। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड, यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात की गई है। तो जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, लीडिंग प्रोड्यूसर के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आ सकते, क्योंकि लीडिंग प्रोड्यूसर बहुत सारी कंट्रीज हो सकती हैं। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है ब्राज़ील है आयरन ओर का। तो अगर हम आगे पढ़ें, ब्राज़ील एंड बोलीविया, आगे है चिली एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, चिली और पेरू जो है वहाँ पे कॉपर होता है सबसे ज़्यादा। ब्राज़ील एंड बोलीविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन, साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैगनीज, बॉक्साइट, माइका, प्लैटिनम एंड डायमंड। मिनरल ओर इज़ फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया। आगे हम नेक्स्ट जो अंग बात करेंगे, अफ्रीका को, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, किस तरह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे पास गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड्स होते हैं वो इसी कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। यहाँ की जो कंट्री है साउथ अफ्रीका, अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, जिम्बाब्वे की बात करें, यहाँ पे जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है उसका लार्जेस्ट पार्ट जो है वो यहीं पे बनाया जाता है, और बाकी जो मिनरल्स है वो यहाँ पाए जाते हैं, वो है आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। ऑयल इज़ फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड एंगोला, ये सारी क्या हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट इज, ये थोड़ा सा अगर इंफॉर्मेशन हम पढ़ लें, ए ग्रीन डायमंड इज़ द रेयरेस्ट डायमंड, ग्रीन डायमंड जो है वो बहुत ही रेयर होता है। द और सबसे ज़्यादा जो पुरानी रॉक्स हैं वर्ल्ड की वो कहाँ पाई जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, कि अर्थ के बनने के, ये जो हमारे पास रॉक्स हैं जो हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की रॉक्स की बात कर रहे हैं, ये अर्थ बनने के सिर्फ 300 मिलियन साल पुरानी है। मतलब अगर हमारी अर्थ जो फॉर्म हुई थी 4600 मिलियन ईयर्स एगो हुई थी, तो जो रॉक्स हैं वो सिर्फ वो हैं 4300 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे पुरानी जो है रॉक्स कहाँ पाई जाती हैं, तो वो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज़, हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ लिया, नेक्स्ट इज़ ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है कि जो ऑस्ट्रेलिया है इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, इसको ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट क्या है? ये ओर है, इससे क्या बनता है?
एल्यूमिनियम. तो एक सर से ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एल्यूमिनियम का जो ओर है वो क्या होता है, दैट इज बॉक्साइट, दैट इज बॉक्साइट. और ऑस्ट्रेलिया में है गोल्ड भी पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया की कौन सी जगह पे है जो वो गोल्ड पाया जाता है, तो ये है कलगुर्ली, वन इज कलगुर्ली एंड दूसरा है कूलगार्डी. ये जो एरियाज हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे हमने पढ़ा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे सबसे पुरानी रॉक्स जो हैं वो पाई जाती हैं, वहाँ पे ये जो है गोल्ड के कुछ डिपॉजिट्स जो हैं वो मिलते हैं. नेक्स्ट इज एंटार्क्टिका. द जियोलॉजी ऑफ एंटार्क्टिका इज सफिशेंटली वेल नोन टू द प्रिडिक्ट टू प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए वराइटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स. सम प्रोबेबली लार्ज सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट एंटार्क्टिका इज फोरकास्टेड. यहाँ पे भी कौन कौन से मिनरल्स हैं, आयरन और गोल्ड, सिल्वर, ऑयल एंड आल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वान्टिटीज. यहाँ पे एक हमने एक ऊपर जो है क्वेश्चन, अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पे एक, यस ये था कि स्विट्जरलैंड एक सिर्फ एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे कोई भी मिनरल डिपॉजिट जो है वो नहीं पाया जाता. तो ये क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ऐसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे कोई भी जो है अपनी मिनरल जो है डिपॉजिट नहीं होता, तो दैट इज़ स्विट्जरलैंड. तो ये हमने थोड़ा सा डाटा पढ़ा हमने कि कौन सी कॉन्टिनेंट में कौन कौन से मिनरल जो है वो पाए जाते हैं. अब हम पढ़ेंगे कि हमें तो इंडिया की बात करनी है कि इंडिया में जो है वो मिनरल्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है. सबसे पहले आता है आयरन. आयरन की अगर बात करें, इंडिया हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर. द मिनरल इज फाउंड मेनली इन झारखंड. सबसे ज़्यादा जो आयरन ओर की अगर हम बात करें, तो इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स में आयरन ओर पाया जाता है, तो सबसे पहले तो हमें कुछ स्टेट्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है क्योंकि वहाँ पे मिनरल डिपॉजिट जो है वो सबसे ज़्यादा है. जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया. तो ये अगर हम आयरन ओर की बात करें तो वो इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. तो कुछ 7 स्टेट्स हैं जहाँ पे जो है आयरन ओर के जो डिपॉजिट्स हैं वो मिलते हैं. नेक्स्ट इज बॉक्साइट. बॉक्साइट के बारे में हमने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा कि बॉक्साइट जो है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है उसका, तो वो है ऑस्ट्रेलिया. ये हम याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट जो है जो प्रोड्यूस होता है. बॉक्साइट अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे उसके जो डिपॉजिट्स हैं, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. नेक्स्ट इज माइका. अब यहाँ पे माइका अगर बात करें तो ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड. इंडिया में सबसे ज़्यादा माइका प्रोड्यूस भी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है. और अगर हम बात करें इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स में इसकी जो डिपॉजिट्स हैं वो पाए जाते हैं, कहाँ ये प्रोड्यूस होता है, तो वो है झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान. तो ये 4 स्टेट्स हैं जहाँ पे इसके डिपॉजिट जो हैं वो पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज कॉपर. कॉपर इट इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट इज मैंगनीज. इंडियाज़ मैंगनीज डिपॉजिट लाई इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. लाइमस्टोन की बात करें, मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु. आगे गोल्ड की बात करें तो गोल्ड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है गोल्ड से रिलेटेड कि इंडिया में जो है एक ही जगह पे है जो गोल्ड डिपॉजिट पाया जाता है, वो कहाँ पे है, वो है कर्नाटका. कर्नाटका की किस जगह में, कोलार रीजन में. कोलार जगह है कर्नाटका में जहाँ पे गोल्ड डिपॉजिट जो है वो पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज सॉल्ट. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सीज, लेक्स एंड रॉक्स. इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एक्सपोर्टर्स ऑफ सॉल्ट. तो अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की तो अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें कि अगर हम देखें कि कौन सी कंट्री जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस मिनरल की, ऑस्ट्रेलिया की हमने बात की. ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा क्या है, बॉक्साइट जो है वो प्रोड्यूस होता है. और अगर हम बात करें ब्राज़ील की, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा जो है वो हाई ग्रेड आयरन ओर प्रोड्यूस होता है. और अगर हम बात करें इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है वो माइका जो है वो प्रोड्यूस होता है और एक्सपोर्ट भी होता है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए. और अगर हम गोल्ड की बात करें तो इंडिया में गोल्ड किस स्टेट में पाया जाता है, कर्नाटका. कर्नाटका के कोलार रीजन में जो है सिर्फ इंडिया में एक ही जगह है जहाँ पे गोल्ड के डिपॉजिट जो हैं वो पाए जाते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स के क्या यूज़ हैं. मिनरल जो है हमें पता है कि अगर हम अपनी डोमेस्टिक लाइफ की बात करें या इंडस्ट्रीज की बात करें, मिनरल जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे
बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि मिनरल्स जो है वो ज्वेलरी में भी यूज़ होते हैं, अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है कॉइन से लेके पाइप्स तक इससे बनती हैं। और दूसरी अगर हम सिलिकॉन बात करें, सिलिकॉन जो ऐसा मिनरल है जो कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है जो किससे बनता है, क्वार्ट्ज से। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो सिलिकॉन है वो किस ओर से बनता है, दैट इज़ क्वार्ट्ज। और हमने जो बॉक्साइट की बात की थी, जिसका जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया था, बॉक्साइट की बात की थी, वो किससे बनता है, उससे जो मिनरल बनता है दैट इज़ एल्यूमिनियम। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो सिलिकॉन है जो कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो किस ओर से बनता है, दैट इज़ क्वार्ट्ज। एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स और बॉक्साइट इज़ यूज इन ऑटोमोबाइल। अगर हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट से प्रोड्यूस होता है, जो कि यूज़ होता है ऑटोमोबाइल में, एरोप्लेन्स में, बॉटलिंग इंडस्ट्री में, और इवन कि अगर हम बात करें हमारी डेली की जो यूज़ की चीज़ें होती हैं किचन में, अगर हम देखें उनमें भी वो भी जो है एल्यूमिनियम से बनी होती हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया मिनरल्स के बारे में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उनके यूजेस क्या हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि उनको कंजर्व कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि जो मिनरल्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, कि अगर ये जो है रिन्यू नहीं होंगे, ये हम यूज़ कर रहे हैं तो एक ना एक दिन जो है वो ख़त्म भी हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इनको बिल्कुल बैलेंस तरीके से यूज़ करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है हमें 3 R's को फॉलो करना चाहिए, कि हमें पहले तो रिड्यूस करो, कम यूज़ करो, अगर उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसको रीयूज़ करो या फिर उसको रिसाइकल करो। तो इससे क्या होगा, हम जो है उसको कंजर्व कर सकते हैं, हम बैलेंस कर सकते हैं प्रेजेंट के लिए भी और आने वाले फ्यूचर के लिए भी। तो ये हमने आज मिनरल्स के बारे में पढ़ा, हमने हाफ चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा इसमें जो हाफ चैप्टर बचता है वो है पावर रिसोर्सेज और उसकी टाइप्स के बारे में, तो वो हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, कोई अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन मिले आपको मेरी वीडियोज़ की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।